दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज सांबा जिले के ब्लॉक सुंब में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें कि चोर दुकान के शटर के ताले तोड़कर अंदर से मोटरसाइकिल ही चुराकर ले गए। विस्तार से आपको जानकारी दे दूं कि सांबा के सुंब ब्लॉक के गांव जलापर में बीती शाम को एक व्यक्ति जिनका नाम सरबन कुमार पुत्र रमता राम निवासी पटियाली जलापर जो है, वह दुकान के अंदर अपना मोटरसाइकिल नंबर JK21G3304 को लगाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जिसके बाद सुबह वह जब आते हैं तो दुकान के शटर के ताले टूटे हुए पाते हैं, जिसके बाद वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ से मोटरसाइकिल गायब होता है। उनके द्वारा जो बताई गई जानकारी कि जब वह मोटरसाइकिल लगाते हैं तो मोटरसाइकिल को ला करके चाबी जो दुकान के अंदर ही एक दुराग पड़ा हुआ था उसमें रख देते हैं, लेकिन चोर वहां से चाबी निकालकर रात के समय मोटरसाइकिल को चुरा कर ले जाते हैं। एक हैरान करने वाला मामला है। अक्सर आपने चोरी की वारदातें सुनी होंगी कि दुकानों के शटर के ताले तोड़कर चोर जो है सामान चुरा लेते हैं या फिर अन्य आइटमें जो होती हैं नकदी वगैरह, लेकिन इस बार चोरों ने जो दुकान के शटर के ताले तोड़कर एक मोटरसाइकिल ही चुरा लिया जो दुकान के अंदर लगा हुआ था। इसके बाद हम आपको वहाँ उस दुकान के थोड़े से विजुअल दिखाते हैं। विजुअल देखने के बाद आप जाने क्या कहना है मोटरसाइकिल के मालिक और एक अन्य व्यक्ति का। नाम है सरबन कुमार और मेरा कहना है कि एक साल डेढ़ साल पहले मेरी दुकान से पहले भी चोरी हुई थी और आज कल मैं 4:30-5 बजे शाम को बंद करके चला गया जल्दी और सुबह आया तो सुबह देखा तो दोनों दुकानें के ताले टूटे हुए और मेरी बाइक वो भी चोरी हो गई और सामान और कुछ कैश मतलब दूसरी दुकान से भी पूरा लेके चले गए और इसकी होमगारी होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कर होना चाहिए और किसने किया किसने नहीं किया। आपको किसी पे शक? मेरे को किसी के ऊपर शक नहीं है और नहीं मैंने कोई ऐसा कोई बंदा कोई देखा है। दूसरी बार है ये? दूसरी बार हो जाए। देखिए पंकज जी, आज जैसे ही हमारे को सुबह सुबह पता चला है कि सरबन जी की दुकान पे चोरी हो गई है और उन चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़ दिए और उसकी बाइक भी चुरा के ले गए हैं। फिलहाल साथ में जो घर था उधर भी चोरी करने की कोशिश की है मगर उनकी बाइक नहीं ली है, उनसे वो दरवाजा नहीं टूटा है। ये बहुत ही दुख समाचार है कि हमारे इलाके में ऐसी वारदातें होना शुरू हो गई है। जहाँ तो जो निशेड़िए है, जहाँ जो बाहर से आते हैं दिन को जो कूड़ा कचरा उठाने के लिए आते हैं वो रैकी करते हैं और रात को वो चोरी को अंजाम देते हैं। तो इसलिए मैं अभी चौकी इंचार्ज अभी इधर आ गए हैं मौके के ऊपर, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया देख रहे हैं और आगे की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोगों का यही कहना है कि हमारे इलाके में दिन दहाड़े ऐसे जो चोरियां हो रही हैं जो यूपी बिहार वाला इलाका बना दिया है। हमारे लोग बहुत खुश हुए थे कि 370 टूट गई है, लड्डू बांटे थे लोगों ने और 370 टूटने का जय नतीजा मिल रहा है आज हमारे लोगों को कि रात को बाइक चोरी हो जा रही है। ऐसे में हमारी लड़कियां औरतें कैसे सेफ रहेंगी अगर ऐसी ही चोरी होती रहेगी। इसलिए मैं DC सांबा और LG साहब से जो गुहार लगाना चाहता हूं, इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो बाहर के लोग आते हैं जो जान पहचान के नहीं है उनके ऊपर तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। एक साल पहले भी इस दुकान के ऊपर चोरी हुई थी, तब भी इसके किराना का सामान जो घी था सिगरेट थे और नकदी थी वो भी ले गए और आज फिर वही हुआ है। सिगरेट घी नकदी और जो भी किराने का सामान था काफी नुकसान हुआ है। एक ही दुकान के ऊपर एक साल पहले फिर चोरी हुई है, ये गरीब कहाँ जाएगा भाई। आपको बता दो कि मोटरसाइकिल के मालिक ने पुलिस को सूचित किया, सुम चौकी प्रभारी को इसकी घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आपने जलापर की उस दुकान के विजुअल भी देखे, उसके बाद मोटरसाइकिल का जो मालिक है उसको भी सुना और एक अन्य व्यक्ति को भी सुना,
तो कहीं ना कहीं चोरों के हौसले किस कदर बढ़ने लगे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिल चोरी हुआ है ये जलापुर क्षेत्र से हुआ है और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, जिसका नंबर फिर से बता दूं आपको, JKG3304। ये मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, चोर इसे चुरा कर लेके गए हैं। लेकिन बात की जाए तो चोरों के कितने हौसले बढ़ गए हैं कि वह किसी भी तरह की चोरी को अंजाम देने से नहीं डरते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे घरों में चोरियां करना हो, दुकानों के शटर के ताले तोड़ना हो, सेंधमारी करना हो, दीवारें तोड़नी हो। तो लगातार सांबा जिले में चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं, चोर लगातार अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की चोरी का मामला अक्सर सुना होगा कि सड़क पे जा किसी कहीं मोटरसाइकिल आप लगा के जाते हैं तो चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार चोरों ने हदें ही पार कर दी। दुकान के अंदर लगे मोटरसाइकिल को शटर के ताले तोड़कर चुराया है। आप समझ सकते हैं, या तो ये किसी जान पहचान के व्यक्ति का काम हो सकता है, या फिर चोर कुछ और मकसद से आए होंगे और लेकिन जब उन्हें और कुछ नहीं मिला तो मोटरसाइकिल ही चुरा ले गए। लेकिन दुकान के मालिक के अनुसार कहना है कि उनकी दो दुकानें हैं, एक में अन्य सामान रखा हुआ है, वहां से भी शायद ये सिगरेट वगैरह की डब्बियां भी साथ में लेके गए हैं। लेकिन आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे और मेरे सहयोगी पंकज शर्मा को दें इजाज़त। धन्यवाद।